कविता का नाम है आराम करो। कवि गोपाल प्रसाद व्यास। एक मित्र मिले, बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो? इस डेढ़ छटाक के राशन में भी तोल बढ़ाए जाते हो? क्या रखा है मांस बढ़ाने में मनहूस? अक्ल से काम करो। संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो, जगत पे नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, मत पुरुषों का वरदान करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, बस आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदिक होती है, तपेदिक यानी ट्यूबरक्यूलोसिस, इससे ना तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा है, गौर करो, आराम शब्द में राम छिपा है, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसीलिए तुम्हें समझाता हूं, मेरे अनुभव से काम करो। ये जीवन यौवन क्षण मंदुर, आराम करो, आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो न तुम अधिक उत्पात करो, बस अपने घर में बैठे बैठे लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा है, जो रखा है बात बनाने में। होंठ हिलाने में जो रस है, वह कहां हाथ हिलाने में। तुम मुझसे पूछो पतला हूं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा है, जो रखा है सो जाने। आगे कहते हैं, मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूं, मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूं, जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे टकराया करता हूं। दिए जलने से पहले घर आ जाया करता हूं, जो मिलता है खा लेता हूं, चुपके सो जाया करता हूं। मेरी गीता में लिखा हुआ, सुनिए इनके गीता में क्या लिखा है। मेरी गीता में लिखा हुआ, जो सच्चे योगी होते हैं वे कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते होते हैं। मैं औरों की नहीं बात पहले अपनी ही लेता हूं, मैं औरों की नहीं बात पहले अपनी ही लेता हूं। मैं बड़ा खाट पर भूटों को ऊंटों की उपमा देता हूं। मैं खटरा ही हूं, मुझे तो खटिया में गीत फूटते हैं। छत की कड़िया गिनते गिनते छंदों के गंध टूटते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं, मेरे अनुभव से काम करो। यह खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो।